हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड का लोक सेवा आयोग उत्तराखंड अधीन सेवा की भर्ती के लिए समूह में काफ़ी बड़ी अपडेट को लेकर। तो कुछ नियमावली अब चेंजेस होने वाले हैं। चलिए जानते हैं क्या है, धामी सरकार ने यहाँ पर क्या कहा गया है। सेवा आयोग और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में प्रदेश में बताया गया है कि इन भर्तियों में एक नया प्रस्ताव करने की बात कही गई है। सरकार ने प्रदेश का जो है कार्य विभाग इसको लेकर जो है प्रस्ताव कर रहा है तैयार, और जल्द ही जो है इस विषय को जो है कैबिनेट के सम्मुख लाने की तैयारी है। तो नया चेंज, नया सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और इनमें लोक सेवा आयोग की ओर से भर्ती और UK SSC की ओर से भर्ती, समूह गांव पदों पर जो है अब कुछ चेंजेस करने को मिलेगा। इसमें कैबिनेट में इनको लाने की बात चली हुई है। चलिए क्या कहा गया है इसमें, देखें, मृतक आश्रितों के लिए हम जो है लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर होंगे पद। यानी कि अब आपके सरकार जो है मृतक आश्रितों को जो है सरकारी सेवा देने के लिए रास्ता निकाल रही है। यानी कि अब जो मृतक होंगे उनको यहाँ पर सरकारी नौकरी देने की बात चली हुई है। और इस कड़ी जो समूह गांव के पदों में जो है कुछ पदों को जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर निकालने की तैयारी चली हुई है। यानी कि अब जो पद आएंगे वो उसमें कुछ पद ऐसे हो सकते हैं जिनमें मृतक आश्रितों के लिए आरक्षित रहे, यानी कि पदों में विवरण हो जाएगा, बढ़ जाएगा कुछ पद। और ये कहा गया है, ठीक है, चाहे वह UK SSC की ओर से हो या UK PSC की ओर से हो, सारे सारे समूह गांव में ये चेंज हो जाए। पहले आश्रितों को उनकी जगह पर नौकरी लगती थी, कोई मृतक हो जाएंगे उनकी जगह पर लगती थी, लेकिन अब जो है भर्ती जो है लोक सेवा आयोग चाहे उत्तराखंड अधीन सेवा आयोग है उनके माध्यम से भरने की बात कही गई है। जल्द इस विषय में कैबिनेट में आएगा, ठीक है। कहा गया कि जल्द ही जो इस विषय को लेकर कैबिनेट के सम्मुख लाने की बात कही है धामी सरकार ने। तो यहाँ पर देखते हैं कि अब चेंजेस हो सकता है। अधीन सेवा चयन आयोग से जो है भर्ती परीक्षाओं का जो है कार्य हटा कर जो है लोक सेवा आयोग को दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं धांधली की दृष्टिगत यहाँ पर UK PSC को दिया है, और मृतक आश्रित जो है आप सेवा योजित जो है उनकी नौकरी भी यहाँ पर अब सम्मुख